उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को अब सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। ये सस्ते इलाज की दिशा में प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। केंद्र भी ऐसा करने के लिए बार बार डॉक्टर से कह चुका है और अब कुछ कानून लाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खास आदेश इस बारे में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर कई बार जो है सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जब कभी भी सरकार इस तरह के कदम उठाती है कि एक आम आदमी की सहूलियत के लिए डॉक्टर्स जेनेरिक दवाएं लिखें। जब जब सरकार ऐसा कहती है डॉक्टर्स को, तब तब कभी कुछ ना कुछ इस बात का हवाला दे दिया जाता है कि साहब जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी ठीक नहीं है, कई तरह के संदेह उत्पन्न कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेनेरिक दवाओं को लेकर ये जो संदेह हैं, ये जो सवाल हैं, आशंकाएं हैं, वो कितनी जायज़ हैं और क्या वाकई में ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है कि देश में डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक दवाई ही लिखें। करेंगे खास मेहमान के साथ चर्चा, पहले ये रिपोर्ट। ये सच्चाई है कि मरीज अस्पताल तो पहुंच जाता है, लेकिन कई बार महंगी दवाओं के चक्कर में अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाता। कई बार तो महंगी दवाओं को खरीदने में गरीब गुरबों का घर तक बिक जाता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार सस्ती दवाओं की आसानी से उपलब्धता को लेकर लगातार काम कर रही है और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के सरकारी डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाएं ही लिखें। राज्य सरकार का जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने का क्या मकसद है, इसे भी समझना होगा। एक तो इससे इलाज बेहद सस्ता हो जाएगा, वहीं दवा के अभाव में गरीब गुरबे दम नहीं तोड़ेंगे, सो अलग। दरअसल जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। खासकर कैंसर, न्यूरो जैसी कुछ गंभीर बीमारियों में दवाएं लंबी चलती हैं। ऐसे में इन दवाओं का महंगा होना कई बार लोगों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ देता है। लेकिन जब डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखेंगे तो जाहिर है इलाज का खर्च काफी कम आएगा। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के अंतर को भी समझना होगा। दरअसल जेनेरिक दवाएं उन्हें कहते हैं जिनका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता, वो अपने सॉल्ट नेम से मार्केट में बेची और पहचानी जाती हैं। जेनेरिक दवा बनाने वाली कुछ कंपनियों ने अपना ब्रांड नेम भी डेवलप कर लिया है। जेनेरिक दवाओं में भी वही सॉल्ट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है, तो फिर ये सस्ती कैसे होती है, तो इसे भी समझाते हैं। दरअसल जेनेरिक दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई खर्च नहीं किया गया होता है। जब ब्रांडेड दवाओं का पेटेंट समाप्त हो जाता है, उसी फॉर्मूले और सॉल्ट का इस्तेमाल कर दवा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने लगती हैं। इन दवाओं के प्रचार प्रसार को लेकर भी कोई खास खर्च नहीं होता। ये दवाएं बड़ी मात्रा में बनती हैं। ये वो वजह हैं जिनके चलते जेनेरिक दवाएं सस्ती पड़ती हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की क्वालिटी की बात करें तो दोनों में फॉर्मूला और सॉल्ट एक ही इस्तेमाल होता है, इसलिए जेनेरिक दवाएं कहीं से भी कमतर नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि दवा बनाने की प्रक्रिया में कुछ दवा कंपनियां जरूरी मानकों का पालन नहीं करती हैं, जिससे क्वालिटी पर असर पड़ता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री मौजूदा समय में 4,10,000 करोड़ रुपए की है। इसके 2024 तक 5,33,000 करोड़ रुपए और 2030 तक 10,66,000 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है। अगर जेनेरिक दवाओं को लेकर भारत का अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में दबदबा है, तो हमें अपने देश में इसे बढ़ावा देने में क्या हर्ज है। सस्ते इलाज के लिए दूसरे राज्यों को भी यूपी की तर्ज पर अपने यहाँ जेनेरिक दवाओं के चलन को बढ़ाना चाहिए, ताकि इलाज के अभाव में कोई मरीज दम न तोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।